तो भाई ये लो ये लो ये लो ये लो ये देखो, टिडल फार्म का दबंग जानवर है भाई, दबंग वाकई दबंग है ये ये झालर देखो तो आनंद लगो। ये लो भाई ये देखो, ये वाइटनेस इसमें ज्यादा है। ये देखो ये देखो भाई शक्ल वो पांडा है, और खाने में क्या वो देखो यार, बारबेक्यू है भाई माशाल्लाह, बहुत प्यारी है। और ये देखो यार अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, भाई क्या हाल है, सब खैरियत है, लाइफ से चलिए। अच्छा आज का सीन कुछ ऐसा है, मैं आया हुआ हूँ इलाही केटल फार्म में और सीन बड़ा ज़बरदस्त है। यहाँ पे बछड़ियों की तादाद बहुत अच्छी है और दोस्त ने इनवाइट किया हुआ है, तो सोचा आपको ज़रा यहाँ के दर्शन वर्शन करवाएँ, बछड़ियाँ दिखाएँ, बछड़े दिखाएँ, और सबके माशाल्लाह नाम भी हैं। ये मेरा पहला व्लॉग है जिसमें मैं नाम के साथ आपको बछड़े बछड़े दिखाऊँगा। फिलहाल मैं जहाँ नमाज पर खड़ा हूँ, यानी जहाँ नमाज पढ़ते हैं, तो मैं इनके जो ओनर हैं उनके जो दोस्त हैं मैं उनको बुला रहा था, जो मेरे भी दोस्त हैं उनसे ज़रा बात बात करते हैं, थोड़ा इंट्रो वगैरह लेते हैं। तो मिलिए मूसा भाई से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, कैसे हैं मूसा भाई, खैरियत से, तबीयत ठीक है। तो यार सबसे पहले ये बताएं कि यहाँ पे कौन कौन सी बछड़ियाँ हैं, पलाई का ये सारी चीज़ें आप थोड़ी सी ब्रीफली गाइड कर दें ताकि मैं जानवर दिखाऊं लोगों को। देखें जानवर हमने विजिट भी किए, देखा भी, हर चीज़ हर नस्ल हमारे पास अवेलेबल है, हर चीज़ अवेलेबल है, हर कलर हर रंग में आपने, हर प्रिंट में, हर साइज़ में आपने बछड़ा देखा, बछड़ी देखी, तो हर कैटेगरी के जानवर हैं। और मैं आपको ये बताता चलूं कि मेरे पास जो स्टार्टिंग प्राइस है और जो मैक्सिमम प्राइस है, स्टार्टिंग प्राइस की बात करते हैं तो मेरे पास 4.5-5 लाख रुपए से लेके 25-30 लाख रुपए तक का भी बछड़ा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो बछड़ी भी है सही। और बस वो शौकीन जिस तरीके का शौकीन है उस तरीके, मैंने अभी आपकी टैगलाइन देखी है तो मैंने अपना भी टाइटल बना लिया कि शौकीनों के साथ भी कुर्बानी के बाद भी, यानी कि आपने कुर्बानी के बाद भी यहाँ विजिट करना है, पूरे साल भर के लिए भी लोग, कॉन्टेक्ट सारी चीज़ें लोकेशन वगैरह सब मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। अच्छा दूसरा ये सवाल है कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा जानवर है उसका नाम और उसकी पलाई में क्या, ये सारी चीज़ें वो भी ज़रा बताएं मेरे व्यूअर्स को। अगर हम बात करें बड़े जानवरों की तो देसी में सबसे बड़ा बछड़ा मेरे पास ब्राह्मण खराब है, लेकिन वो मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाया नहीं है, वो है अगले साल का। अच्छा ये देखो फिटिंग हुई है यार, सारे दिखाए लेकिन ब्राह्मण अभी भी छुपा के रखा हुआ है। सही है, तो बस वो हर किसी को चीज नहीं दिखाते, आपको पता है नजर वाला मामला होता है। बिल्कुल सही है, तो आजकल तो वैसे बहुत नजरें लगती हैं यार, अल्लाह माफ करे हमारे कुछ लोग हैं जो, छोड़ो यार छोड़ो जी जी। तो हमने बछड़ा देखा जैसे अलादीन, तो बहुत अच्छी कैटेगरी का, बहुत अच्छा देसी बड़ा बछड़ा है, तकरीबन 18-19 मन वजन में होगा, अच्छा बछड़ा है, गोश्त वजन बता रहा हूँ मैं आपको, लाइव वेट नहीं बता रहा, गोश्त वजन बता रहा हूँ। तो आपने देखा, फिर उसके बाद बोला बबलू आए थे, गली बॉय आया था, दबंग आपने देखा। ये नाम ले रहे हैं ये सब, इनके इंट्रो के बाद मैं सब लगाऊंगा, आप पूरी वीडियो देखिएगा, यानी ये वीडियो मेरी इस साल की मेरी नजर में बहुत प्यारी होने वाली है, तो उम्मीद करता हूँ आप सब इसको अच्छे से अच्छा लेके जाएंगे और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। अच्छा एक और चीज मैंने पूछनी थी कि अगर मेरे कुछ रेफरेंस से कोई लेने आए या कोई पलवाने आए तो उसका कुछ, यानी खातिर तवाजा करेंगे? बिल्कुल खातिर तवाजा करेंगे, जितना अच्छे से अच्छा केटर्स कर सके उतना करेंगे, चाहे आपके रेफरेंस आए चाहे किसी और के रेफरेंस आए, मेरा काम है कस्टमर को जानवर दिखाना और अपना कस्टमर बनाना, एक ताल्लुक बनाना है, बेसिकली ताल्लुक बनाना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमारी टैगलाइन जैसे शौकीनों के साथ भी कुर्बानी के बाद भी, तो इस ये कनेक्ट है कि हम सिर्फ इस कुर्बानी तक काम नहीं कर रहे भाई, हमने आपके साथ ता हयात जब तक हम काम कर रहे हैं, जब तक आप कुर्बानी कर रहे हैं तब तक हमने कनेक्टेड रहना है आपसे। बिल्कुल, तो इस तरीके से हम सबको केटर करेंगे बिल्कुल, और कोई आपसे कॉल वॉल करा देगा तो फिर हमें कोई गुंजाइश वंजाइश करके बात करनी पड़ेगी। यार बहुत कम लोग होते हैं ऐसे मुखलिस लोग माशाल्लाह, इतना यानी तबीयत से यानी आपकी मुरम्मत करना, एक मुरम्मत वो होती है जो 9 मई के बाद हुई थी और एक ये वाली मुरम्मत है माशाल्लाह। तो वीडियो को लेके चलते हैं आगे, बड़ी मेहरबानी आपने यहाँ पे थोड़ा सा हमें टाइम दिया है, हमें जरा अपने दोस्तों यारों को, लड़कियों को, दोस्तों को, बूढ़ों को, सबको मैं जरा गाय में दिखाता हूँ, फिर इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं वीडियो के बाद, ठीक है। आ जाओ भाई आ जाओ, लेके चलते हैं तुम्हें आगे। अभी चाय आ गई है, चाय में पीते हैं और फिर आपको और चीज़ें दिखाते हैं फर्दर डिटेल्स। बड़ा ज़बरदस्त सीन है यहाँ पे भाई, ये देखो ये वाली चीज़ देखो आप माशाल्लाह, और वो देखो ये निकल के आ रहा है एक और,
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये पछड़िया माशाल्लाह यार फुल कोड़ी के स्टाइल में बहुत क्लासी माशाल्लाह माशाल्लाह। चाल चलन चेक करें आप। अच्छा भाई अभी देखो इस इलाही कैटल फार्म का जो सबसे बड़ा जानवर है ना वो आ रहा है मेरे सामने और ज़रा तैयार शैयार हो रहा है वो अभी दिखाता हूँ मैं आपको सामने आने दो उसको मेरे। फिलहाल आप मुझे देखो ये आ रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह यार वाह इसके झालर देखो सुभान अल्लाह झालर चेक करो भाई सुभान अल्लाह बहुत ज़बरदस्त बहुत ज़बरदस्त बहुत ज़बरदस्त। वाह बहुत क्लासी। अभी आप पीछे से देखना और प्यारा लगे। ओ हो सलमान खान लग रहा है पूरा। ये लो भाई ये देखो ये वाइटनेस इसमें ज़्यादा है और इसकी भी झालर आप चेक करो क्या लग रहा है यार माशाल्लाह। सुभान अल्लाह भाई सुभान अल्लाह यार लेवल लेवल है खूबसूरती का यार माशाल्लाह। इसको ज़रा मैं प्यार करके दिखाता हूँ आपको सुभान अल्लाह बहुत प्यारी चीज़ है यार बहुत प्यारी है। अच्छा इस कैटल फार्म का भी ये तीसरा पीस आ रहा है और ये पूरा वाइट है इसकी सिर्फ चश्मा और जो तुम है ना वो हल्की सी ब्राउन है ये चेक करो ये देखो वाओ अमेजिंग माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखो ये पूरा वाइट है चश्मा आपने देखा ये ब्राउन था और ये देखो दुम का मतलब एक बालिश दुम है जो ब्राउन है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखो यार नेक्स्ट लेवल बछड़ा यार माशाल्लाह वीआई। ये देखो भाई ये देखो ओहो हो सुभान अल्लाह माशाल्लाह यार ये वाला भी बहुत प्यारा है बहुत आउट क्लास है लश चीज है। तो भाई ये देखो फुल घोड़े की स्टाइल वाला है माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखें आप इसका नाम है राठौर। ये राउडी राठौर आपने देखी होगी मूवी ये उसी की शक्ल होए होए होए। अच्छा सारे जानवरों के नाम है मैं बताना भूल गया भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा आपको दिखाऊंगा कि किस किस के क्या क्या नाम है। फिलहाल आप ये देखें ये है राठौर और एक अभी एक और आ रहा है उसका भी कोई नाम है और वो देखते हैं वो क्या चीज़ है मुझे पता नहीं है आने तो फिर दिखाता हूँ आपको। ये देखो भाई ये है दबंग इलाही कैटल फार्म का दबंग जानवर माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखें आप क्या लेवल है यार माशाल्लाह। और भाई भारी आदमी भाई बहुत भारी है बहुत जालिम है फुल दबंग स्टाइल का जानवर है माशाल्लाह। वाह भाई फुल दबंग है भाई मेरी तरह दबंग दबंग जानवर है माशाल्लाह। वाह सुभान अल्लाह भाई बहुत आला यानी आउट क्लास है। तो भाई ये लो ये लो ये लो ये लो ये देखो ये देखो ये आमिर खान की जो आई थी ना डंगल उसकी तरह का लग रहा है ये सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह भाई सही वाली बच्चा यार माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखो भाई बहुत प्यारा ज़रा हम भी इसको प्यार करके देखते हैं बहुत ही क्लासी है साफ सुथरा और सेक्सी बच्चा। लाल सिंह वाओ हाँ लाल सिंह कैसे हो सब खैरियत माशाल्लाह। ये देखो भाई इसके सुरमा भी लगा हुआ है माशाल्लाह। ओए हाय 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 जबरदस्त भाई शेप देखें आप ये तो मेरे मोबाइल में भी शेप नहीं आ रहा ये देखो ये सुभान अल्लाह भाई सुभान अल्लाह क्या क्लास की चीज़ है। वाह
अच्छा जी, अब मैं आपको मिलवाने वाला हूँ अलादीन, जो कि तबाह हो गया हमारे कराची में, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बेहतरीन चीज़ है अलादीन के नाम की और इंतहाई क्लास है। मेरे सामने आ गई, आपको मिलवाता हूँ, आओ ये देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह भाई, वाइट पलकें, वाइट जानवर, सिर्फ ब्लैक के छोटे छोटे डॉट्स पड़े हुए हैं और बहुत लेवल है माशाल्लाह। अभी इसके साथ हम सेल्फी लेते हैं एक, आओ ये देखो भाई, ये देखो अलादीन को मैं खुद फैला रहा हूँ, ये चेक करो, ये माशाल्लाह माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, एक नंबर ही मेरी फट रही है, इसकी रस्सी भी नहीं है, नकेल नहीं है, हाथ ये देखो, हाथ कप कप आ रहे हैं मेरे, वो जो डंगल और सुल्तान बनी थी ना, वो इसको देख के बनी थी ये। वाओ, अमेजिंग भाई, अमेजिंग अमेजिंग वीआईपी। ये जबरदस्त, मजा आ गया जानू देख के, मजा आ गया सच में। अरे वो ये क्या है, अरे नवाज शरीफ, वाओ ये नवाज शरीफ में मिल रहा है यार, ये पंच फेस है लेकिन नवाज शरीफ में मिल रहा है, बल्कि मरियम नवाज, हाँ सही कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ, मरियम औरंगजेब, वाह जबरदस्त भाई जबरदस्त। जैसे नवाज शरीफ छोटे कद का है ना, ये भी छोटे कद का जानवर है, देखें ये देखें, इसका नाम यहाँ पे इन लोगों ने खान साहब रखा हुआ है, लेकिन ये लग रहा था नवाज शरीफ की शक्ल के जैसा है, बत्तख के मुंह वाला। ये देखो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये है पांडा, इस कैटल फार्म का, इलाही कैटल फार्म का पांडा है ये, ये 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 वीआईपी यार, वीआईपी, सुभान अल्लाह, पूरा ब्राउन है, सिर्फ मुंह इसका वाइट है। ये दो जोड़ी आ रही है मेरे सामने, एक है ओरियो और एक है रियो, और दोनों की क्लास चेक करें, पूरे वाइट हैं, इत्तफाक से पूरे वाइट हैं, सिर्फ इनका मुंह और जो इनका यानी कोहान की जो बैक साइड है, यानी जो कमर पे जो हम हाथ फेरते हैं ना वैसे करके, सुभान अल्लाह, वो जगह इनकी सिर्फ ब्राउन और ब्लैक है। ये देखो यार माशाल्लाह, ये मैं आपको इनको करीब से दिखाता हूँ, ओए होए 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 होए, ये देखो यार, ये देखो, ये देखो, ये देखो यार, क्या गुलाई है, सुभान अल्लाह, ये देखो, ये वाह सुभान अल्लाह, वीआईपी, दोनों माशाल्लाह गेने बच्चे हैं और दोनों को बच्चियां हैं, दोनों बहुत प्यारी हैं माशाल्लाह, बहुत प्यारी, आउट क्लास लेवल है यार लेवल। ये देखें आप, ये है इनकी गुड़िया, और वाकई इंतहाई छोटे से मुंह में माशाल्लाह बहुत प्यारी है, और ये देखो यार इसके झालर देखो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह यार सुभान अल्लाह, फुल गोल भरी हुई माशाल्लाह, हर तरफ से भरी हुई है, फुल तगड़ी बची है माशाल्लाह, बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है सुभान अल्लाह। ये देखो अभी मैं आपको इसके झालर पकड़ के दिखाता हूँ, ये चेक करो आप, हेलो क्या हाल है, ओए होए होए, मक्खन ही मक्खन है भाई, बल्कि पनीर है यहाँ तो, ये देखो ये बिल्कुल गुब्बारे की तरह है, सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी हो यार तुम, बहुत प्यारी हो माशाल्लाह, तुमसे प्यारी चीज़ कोई है ही नहीं, यकीन करो इस बात का तुम। अच्छा जी अब बारी है मार्शा की, ये इस कैटल फार्म की मार्शा है, ओए होए 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 भाई, क्या पुदक पुदक के भागी है ये, वेल डन वेल डन भाई वेल डन, बहुत क्लासी है माशाल्लाह, स्मॉल फेस लॉन्ग माशाल्लाह डिस्टेंस के साथ ये भागी है वीआईपी। ये देखिए आप, ये देखो, ओहो
ओहो सोने जवाहरात निकलने हैं भाई, रुक जाओ यहाँ आ जाओ। वाओ वीआईपी। अच्छा अब मेरे सामने आ रही है वो हसीना वो नीलम परी, कर गई कैसी जादूगरी, ये देखो यार एक चश्मे के साथ है भाई, सुभान अल्लाह, घुमा गोल गोल, ये देखो यार इसकी चीज चेक करो, ये देखो ये इसका एक, वाओ मतलब गिलास लगाया हुआ लेकिन एक चश्मा सिर्फ, वीआईपी। इस पे सही फिट हुआ है वो गाना, वो हसीना वो नीलम परी, कर गई कैसी जादूगरी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जादूगरी कर दी तुमने वाकई, वाओ यार ये वीआईपी, ले जाओ अल्लाह कबूल करे माशाल्लाह। ये मेरी जान आ रही है मेरे सामने, हदीद हो मिस हदीद, ये देखो ओए ओए मिस, हाय 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 हाय, ये तो रुकी नहीं रही, वीआईपी यार माशाल्लाह माशाल्लाह। आओ हदीद को प्यार करे, अच्छा यहाँ पे माशाल्लाह आपके भाई के लिए खाने का इंतजाम भी किया गया, और खाने में क्या है वो देखो यार, बारबेक्यू है भाई माशाल्लाह, भाई हमारे लिए बना रहे हैं, सुभान अल्लाह मजा आ गया यार, मजा आ गया यार, उनको प्यास चाहिए फिलहाल, वाह यार वेल डन। तो अभी खाने का सीन है, वहाँ खाना लगा हुआ है, खाना वाना खाते हैं फिर वीडियो को भी एंड करते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि आगे भी दो तीन फार्म है भाई के लिए, तो आओ खाना वाना खाते हैं, खाने में क्या है भाई देखो, ओहो कबाब ही कबाब है भाई यार, बड़ी नवाजिश भाई आप लोगों ने, बड़ा ज़्यादा एहतमाम कर लिया यार,